सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद शोभिक चैनल को और सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फिर से यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट लेके आ चुका हूँ रिटेल के जॉब के बारे में। यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा तो रिटेल में जो है स्पेंसर कंपनी के थ्रू यहाँ पे जॉब वैकेंसीज निकला हुआ है। स्पेंसर के जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे मैं उसको ओपन कर चुका हूँ। तो किस तरह से स्पेंसर में आप एप्लीकेशन करना चाहते, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहेगा और एज लिमिट क्या रहेगा आप लोगों को, उसी के बारे में सारा डिटेल्स यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल स्पेंसर कंपनी की तरफ से कुछ इस तरह की एक फॉर्म दिया जा रहा है, इस फॉर्म को जो है आप लोगों को फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद जो है इसको आप लोगों को सबमिट करना होगा। तो आप लोगों को बताऊंगा जिन जिन का स्टूडेंट या कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सारा डिटेल्स मिल जाएगा किस तरह से आप एप्लीकेशन कर सकते हो। स्पेंसर जो है एक रिटेल कंपनी है। रिटेल के जॉब के बारे में मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। रिटेल जॉब के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको 12th पास होना चाहिए और सिक्योरिटी गार्ड के लिए मिनिमम जो है 10th पास होना चाहिए। तो अगर हम 10th और 12th पास है तो आप लोग यहाँ पर इजीली एप्लीकेशन कर सकते हैं। एज लिमिट जो है मैक्सिमम नहीं दिया जाता है, 18 जो है मिनिमम आपको एज लिमिट रहना होगा। तो यहाँ पे इस फॉर्म को किस तरह से फिलअप करना होगा, आपको यहाँ पे आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, डिपार्टमेंट, आप कौन सी डिपार्टमेंट के लिए आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हैं यहाँ पर आपको उसको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप स्टोर के लिए भी एप्लीकेशन करना चाहते हो तो आप लोग वहाँ पर भी दे सकते हो। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सी डिपार्टमेंट के लिए आप एप्लीकेशन करना चाहते हो, कौन सी लोकेशन के लिए आप एप्लीकेशन करना है ये भी यहाँ पे आपको देना होगा। तो आप लोगों को इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना कि कौन सी सिटीज़ के, आप लोगों को बता देता हूँ इंडिया में हर एक सिटीज़ में इसका जॉब लोकेशन रहा है तो आप लोग वहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। ग्रेजुएशन के बारे में यहाँ पे आपको देना होगा इंस्टीट्यूट, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पर डिटेल्स देना होगा, मतलब यहाँ पर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना होगा। इसी के साथ साथ आपको रिज्यूम जो है यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा, जैसे कि देख सकते हो। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको सेंड करना होगा इस फॉर्म को। इस तरह से जो है आप लोग स्पेंसर के इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। इजीली फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, कर सकते हो, कोई भी दिक्कत करने बाद नहीं। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको नहीं देना पड़ेगा। इंटरव्यू के थ्रू जो है आपको जॉब लोकेशन मिल जाएगा, आप लोग यहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप लोग स्पेंसर कंपनी के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। और कुछ जानकारी के लिए कमेंट करना मत भूलें, मैं उस कमेंट का रिप्लाई दे दूँगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।